आप में से कुछ स्टूडेंट्स का सवाल यह था कि सर हमने 12th बायोलॉजी से किया तो क्या हम पॉलिटेक्निक कर सकते हैं या फिर नहीं। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। साथियों अगर हम बात करें इंजीनियरिंग डिप्लोमा की, तो 3 साल का जो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कराया जाता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में या फिर एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेजों में, उसमें एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप 10th पास हो, मतलब कि मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है 10th। अगर आपने 10वीं का अच्छा पास किया देन आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम आपने चाहे इतनी भी पढ़ाई की लेकिन 10th बेस पर आपको अप्लाई करना होगा, यानी कि अगर आपने 12th किया, ग्रेजुएशन किया है तब आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन 10वीं के जो मार्क्स हैं उनके आधार पर आपको एडमिशन मिल सकता है। देखिए जो एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा कराई जाती है उस प्रवेश परीक्षा के आधार पर एडमिशन मिलता है, तो वो जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म होता है उसको भरने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम आपके 10th क्लास में 35% यानी कि मिनिमम 35% मार्क्स होने चाहिए, 35% से कम नहीं होने चाहिए, 35% हैं या फिर इससे ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। एंट्रेंस एग्जाम में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी PCM से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ये जो एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स हैं इनके आधार पर आपको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो जो प्राइवेट कॉलेजेस एडमिशन देते हैं वो डिमांड करते हैं कि मिनिमम आपके 50% यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स 10th में हो, यानी कि अगर आपके 10th में कम से कम 50% हैं या फिर इससे ज़्यादा हैं तो आप प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन की, कुछ राज्यों में यानी कुछ स्टेट्स में एंट्रेंस एग्जाम इसके लिए नहीं कराया जाता है, 10th के जो मार्क्स होते हैं उनके आधार पर एडमिशन मिलता है, मतलब कि वहाँ पर मेरिट के आधार पर एडमिशन मिलता है। तो 10th में अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं देन आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं और अगर आपके कम नंबर हैं देन आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है जहाँ पर मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा 10th में अगर आपके कम नंबर हैं, ठीक है, यानी कि 35% हैं या फिर 35% से ज़्यादा हैं और आप गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करना चाहते हैं, देन आपको एंट्रेंस एग्जाम वाला फॉर्म भरना चाहिए और एंट्रेंस एग्जाम में आपको अच्छे नंबर आने चाहिए, उस एंट्रेंस एग्जाम के जो मार्क्स होंगे उनके आधार पर आपको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अगर अच्छे नंबर होंगे तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो 3 साल का जो डिप्लोमा है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं 12th बायोलॉजी के बाद, 10th बेस पर आपको अप्लाई करना होगा। वहीं अगर हम बात करें 2 साल इंजीनियरिंग डिप्लोमा की, यानी कि जो डिप्लोमा 2 साल का होता है उसमें एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी है कि 12th आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया हो, यानी कि आपने 12th PCM से किया है, देन आप 2 साल का जो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है जिसको लेटरल एंट्री डिप्लोमा कहते हैं उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन 12th अगर आपने बायोलॉजी से किया है तो आप 2 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा नहीं कर सकते, बट 3 साल वाला जो डिप्लोमा है उसको आप कर सकते हैं। और उसको करने के बाद आप चाहें तो बीटेक लेटरल एंट्री ले सकते हैं, मतलब कि बीटेक के डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं डिप्लोमा के बाद, और डिप्लोमा के बाद आपका जो बीटेक है वो 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।